हे एवरीवन, जय माता दी सभी लोगों को। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली, जो कि बिना प्याज लहसुन की बनने वाली है। बहुत सारे लोग रात को खाते हैं नमक, और बहुत लोग रात को फल खाते हैं, तो मैं ये बनाने वाली हूँ नमकीन, जो कि जो लोग नमक खाते हैं वो लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने आलू को इस तरह से कट कर लिया। आप चाहे तो लंबे लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल दे सरसों का तेल, और ये डाल दे जीरा। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिली या सूखे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और साथ में डाल दे कटे हुए आलू, नमक और हल्दी, और इसे हमें ढक के फ्राई कर लेना है। ये है आलू का भुजिया। साथ में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी बड़ी, जैसे कि कढ़ी पकौड़ा भी बोल सकते हैं। तो एक बोल में ले लें बेसन, नमक, हल्दी, आधा चम्मच जीरा डाल दें, थोड़ा सा डाल दें हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये डाइजेशन के लिए भी सही होता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बनाना है। बैटर हमें गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं सेम उसी तरह से रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से तैयार करें, और इसे हमें 5 मिनट तक के लिए फेंटना है। तो आप इसे अच्छे से फेंटें, जो कि जब हम इसे रस में डालेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। तो आप इसे अच्छे से फेंट लें 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं भुजिया को भी चेक कर लेती हूँ। में थोड़ा सा डाल दें लाल मिर्च का पाउडर, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लें। तो ऑलमोस्ट हमारा भुजिया भी रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं पकौड़ा को फ्राई कर लेते हैं। हम लोग के साइड तो इसे बड़ी बोलते हैं, तो हम इसे एक एक करके डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साइज इसका आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। व्रत में बना के खाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और पेट भरेगा मन नहीं, इतना ज़्यादा टेस्टी ये थाली बन के तैयार हुआ था। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब हमें बनाना है घोल। तो घोल के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन बचा लिया था, उसी में हमें डाल देना है दही। रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, बहुत थोड़ा डालें, कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम स्मूथली हमें इसे मिक्स करना है। बैटर अच्छे से स्मूथ हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको ग्रेवी जितना चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं डालना है। और कढ़ाई में इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें मेथी का तड़का भी लगा सकते हैं। और जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम इस पकौड़े को डाल देंगे, और इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत जल्दी फूल जाती है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, जो कि जीरा और सूखी लाल मिर्च का है। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी डाला था, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारा कढ़ी पकौड़ा रेडी है। ये सिंपल वाली है, हम लोग के साइड इसे ऐसे ही बनाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि आज हमने खाने में क्या क्या बनाया था। तो ये रहा चावल, बड़ी,
भुजिया, और ये है पकौड़ा जो कि पम्पकिन फ्लावर का पकौड़ा है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था, आप भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करें और कैसी बनती है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।